देखो कारण क्या होता है, क्या कारण हो जाता है कि जब हम भगवान के द्वार पर बैठते हैं और द्वार पर बैठकर हम भगवान का गुणगान करते हैं और भगवान की जब हम बड़ाई करते हैं कि मैंने शंकर भगवान का भजन किया, मेरे शिव जी ने मुझ पर बड़ी कृपा करी, मैंने राम जी का भजन करा, राम जी ने मुझ पर बड़ी कृपा करी, मैंने कृष्ण भगवान का भजन करा, भगवान कृष्ण ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी, तो ये हम द्वार पर बैठकर जब बोलते हैं तो भगवान के जो द्वारपाल हैं अपने कानों से श्रवण करते हैं और सुनने के बाद में जब हम दरवाजा छोड़कर अपने घर के लिए जाते हैं तो भगवान शिव हो चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, जिस द्वार पर हम बैठे हैं वो देवता स्वयं अपने द्वारपालों से कहते हैं कि इसने मेरा गुणगान करा है इसलिए इसके घर पर संपदा की कमी ना आए, तुम जाकर इसके यहाँ संपदा भर कर आए। ये द्वार पर बैठने का फल है, ये द्वार पर बैठने का फल है। भगवान मान पार्वती मैया बैठी, पार्वती माता बैठी, थोड़ी देर बाद शिव जी ने पार्वती से कहा चलो, पार्वती जी बोली कुछ देर और बैठो, बैठी तभी एक छोटी सी साधारण सी इल्ली पार्वती जी के चरणारविंद के पास में आकर बैठ गई। जरा ध्यान देना, हरिहर शिव महापुराण की कथा है, ये कथा बार बार नहीं मिलेगी, जितने लोग आस्था पर सुन रहे हो, चाहे जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे जितने लोग इस पावन प्रागण्य में सुन रहे हो, बहुत ध्यान से सुनना, ये जीवन को सुख देने वाली कथा है, ये नागेश्वर महिला मंडल को जो मिली है ये कहीं नागेश्वर भगवान की कृपा से ही मिली है, इसलिए कह रहे हैं कि इसको बड़े ध्यान से सुनना। छोटी सी इल्ली पार्वती जी के नजदीक में आकर बैठ गई, हवाएं लगाने लगी, मां कृपा का माता कृपा का, पार्वती जी ने छोटी सी इल्ली की बात अपने कानों से जब सुनी तो पार्वती जी को विश्वास नहीं हुआ, क्या इल्ली बोल सकती है, क्या ये इल्ली, ये छोटी सी इल्ली ये बोलेगी, विश्वास नहीं हुआ माता पार्वती, भरोसा नहीं। पर फिर पुनः वो इल्ली ने फिर आवाज लगाई, वो इल्ली फिर चिल्लाई, माँ ओ माँ माँ ओ माँ, इल्ली की आवाज सुनी तो माता पार्वती जी ने एक छोटे से पत्ते पर उस इल्ली को उठाया और उठाकर माता ने पूछा, हेलो मोटो।